माता की भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी लंबी चुनावी भागदौड़ के बाद आज नेताजी कुछ राहत महसूस कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और उज्जैन के प्रभारी जीतू जिराती जी की जीतू जी, जी जिस तरह से मतदान का प्रतिशत बढ़ा है कहीं बीजेपी के लिए चिंता तो नहीं बढ़ा रहा देखिए जब भी भारत मतदान अगर बढ़ता है हम दोपहर बारह बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर के नेता हो चाहे कितना भी बड़ा नेता हो हमारी चिंता ही सिर्फ इस बात को लेकर के रहती है कि मतदान प्रतिशत बढ़े और जितना मतदान प्रतिशत बढ़ता है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही होता है ये हमेशा ये सबको पता है जग जाहिर है कांग्रेस का वोट अपना एक फिक्स है और वो डालता ही है लेकिन हम पाँच साल भी मशक्कत करते हैं और बच्चे पाँच घंटों भी मशक्कत करते हैं कि निकल करके आइए प्लीज़ आप आइए देश हित में राष्ट्र हित में समाज हित में वोट करिए और लोग जब निकल करके आता है और अंततः आखिरी तक जब वोट डलता है वो शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का होता है और इस बार जो प्रचंड प्रतिशत हुआ है वोटिंग का मुझे ये बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है इस बात को लेकर के कि अद्भुत जो मतदान हुआ है ये सीधा भारतीय जनता पार्टी के में पक्ष में जाकर के ये मध्य प्रदेश को एक प्रचंड बहुमत प्रदान करेगा जो एक बेहतर सरकार के लिए होना आवश्यक है क्या लगता है आपको एमपी के दिल में मोदी ये नारा काम कर गया मैं एमपी के दिल में मोदी नहीं है भारत के दिल में मोदी और मोदी के दिल में भारत एमपी के दिल में तो ही है था ही था क्योंकि मैं जिस संभाग में काम देख रहा हूँ वहां पर तीन सभाएं माननीय मोदी जी की थी हम पॉलिटिकल लोग हैं मैं ये बड़ी डिंगे नहीं मारता कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर ही सब कुछ व्यवस्था हो जाती है एक मात्र ऐसा चमत्कारिक नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का मैंने देखा है कि बाकी सारे नेताओं के लिए व्यवस्थाएं करना पड़ती हैं लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब आते हैं तीन सभाएं थी उज्जैन संभाग में जहां मैं काम कर रहा हूँ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी लोगों को लाखों की संख्या में हमारी की हुई व्यवस्थाएं छोटी पड़ गई लेकिन लोगों का हजुम बंद नहीं हुआ लोगों का उत्साह बंद नहीं हुआ लोगों का आगमन बंद नहीं हुआ शाहजहाँपुर में तो ये परिस्थिति थी कि एक बड़ा पांडाल हम लोगों ने लगवाया था वो ऐसा लग रहा था कि चिंता हो रही थी कि भरेगा कि नहीं भरेगा लेकिन मैं आपको बताते हुए अरुण भाई मुझे प्रसन्नता है कि मैं पांडाल के पीछे जाकर जब मोदी जी का भाषण चल रहा था तब देखा ऐसा नरमुंड ही नरमुंड दिखाई दे रहे थे लोगों की आमद इतनी ज़्यादा होती है एक ऐसा नेतृत्व है मोदी जी का जिसको पूरी दुनिया प्यार करती है सिर्फ भारत नहीं राम मंदिर का आपने पिछले चुनाव में उपयोग किया तो कांग्रेस ने आपत्ति जताई कितना हावी रहा राम मंदिर का मुद्दा कांग्रेस की तो स्थिति यह है कि भारत का नाम लेने पर भी आपत्ति लेने वाले हैं थोड़े दिन बाद हम तो गर्व से छाती ठोक करके इस बात को पहले भी कहते थे जब इन लोगों ने तुष्टीकरण की नियत को देखते हुए कभी भी राम मंदिर के ऊपर बात करना भी पसंद नहीं किया हम तब भी यही कहते थे कि राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे चाहे हजारों कार्य सेवकों की जान गई हो भगवान के लिए ईश्वर के लिए मरना पड़े जिसने हमको जन्म दिया उसके लिए अगर मरना भी पड़े अपना बलिदान भी देना पड़े तो उससे भी हम लोग पीछे नहीं हटे और निश्चित रूप से हम उस समय भी कहते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे और वहीं मंदिर बनेगा और 22 जनवरी को होगा ये बात तो हम कहेंगे ये तो हमारा ये तो हमारी जान है भाई हमारा हमारा धर्म है हमारे इष्ट है भगवान तो सौ प्रतिशत और जिन जिन ने भी देखा है ये देश भगवान राम का देश है और भगवान राम के हम सब अनुयायी हैं तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा नुकसान के लिए काम हम नहीं करते हैं ये तो हम अपने पिता के लिए कोई फ़ायदा का, का काम करेगा क्या तो हम परम पिता के लिए क्या सोच सकते हैं तो उसकी हम चिंता नहीं करते हम तो अपने विकास पर डेवलपमेंट पर और ये जो मध्य प्रदेश ने किया है जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है इस एजेंडे पर काम करते हैं और सौ प्रतिशत इतना ज़बरदस्त माहौल है मध्य प्रदेश में अब तो चुनाव हो चुके हैं ऐसा तो ही नहीं कि आप उसके बाद पहले बात कर रहे हैं चुनाव होने के बाद ये जो मेरा कॉन्फिडेंस है ये सिर्फ मेरा नहीं है ये मध्य प्रदेश के एक एक मतदाता का कॉन्फिडेंस इतनी सीटें आप मानकर चल रहे हैं आपका आकलन क्या है बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में देखिए आकलन मैं आपको बता सकता हूं आकलन मैंने आपको बता चुका हूं आकलन यह है कि मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी मैं अगर सीटें वगैरह कुछ अगर बताऊंगा तो ये दावा होगा और दावा अहम पैदा करता है अहंकार पैदा करता और अहंकार होना नहीं चाहिए इंसान के अंदर स्वाभिमान होना चाहिए अभिमान नहीं होना चाहिए इसलिए मैं मध्य प्रदेश की जनता को दंडवत करता हूं प्रणाम करते हुए जो उन्होंने कल किया है वो चमत्कार किया है बस जो जो प्रतिशत जो 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 आंकड़ा निकल कर के आ रहा है वो कभी मध्य प्रदेश में नहीं आया और मैं खुद क्योंकि लगातार इन्वॉल्व रहते हैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ तो जो मैं घूम रहा था कल और जो लोगों से मिलना जो वोटिंग का रुझान है जो आनंद जो उत्साह तीन तीन घंटे लोग लाइन में खड़े रहे और कल गर्मी भी अच्छी खासी थी और कल प्रोसेस भी स्लो थी थोड़ी सी वोटिंग की चार चार पांच पांच लोगों के बीच में अधिकारियों के बीच में से होकर के गुजरना पड़ रहा था लेकिन आदमी ढिगा नहीं खड़ा रहा वो आप इसका सीधा मतलब समझिए कि वो समझ चुका है कि उसके मतदान का अधिकार कितना बड़ा है और ये समझ चुका है कि देश के लिए मतदान करना जरूरी है और वो ये भी समझ चुका है कि देश किसके हाथ में सुरक्षित है तो देखिए बीजेपी के तेज तर्रार नेता है प्रदेश उपाध्यक्ष पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनने वाली है कैमरा विजय के साथ अरुण त्रिवेदी पब्लिक फर्स्ट इंदौर ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय